हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल रीड एंड डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर थर्ड, इंडिया द नॉर्दर्न प्लेन। बेटा आज हम चैप्टर थर्ड का जो बुक का एक्सरसाइज वर्क था वो प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। आज हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको रीड करेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर चैप्टर नंबर थर्ड लिखना है, नए पेज से स्टार्ट करना है। जो हाफ पेज बचा हुआ है वो उसको आप यूज नहीं करेंगे। तो चैप्टर नंबर थर्ड लिखने के बाद में चैप्टर का नाम लिखना है इंडिया द नॉर्दर्न प्लेन, और इसके बाद में साइड में जहां डेट का कॉलम है वहां पर आप लोग डेट लगाएंगे, जो आज की डेट है वो। और उसके बाद में आप लोग, ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी के अंदर आपको इंडिया का जो मैप है, इंडिया का जो मैप है वह चाहे तो स्टेंसिल से आप लोग ड्रा कर सकते हैं, या छोटा मैप 50 पैसे वाला आप लोग परचेज करके उसको भी आप अपनी नोटबुक में पेस्ट कर सकते हैं। जिस बच्चे के पास छोटी साइज की नोटबुक है उसमें पूरे पेज में ये मैप है पेस्ट होगा, जिसके पास रजिस्टर है उसमें हो सकता है नीचे कुछ स्पेस बच जाए। तो रजिस्टर वाले बच्चे यदि स्पेस बचता है तो वहीं से क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, बाकी जिनके पास नोटबुक बड़े साइज की नहीं है, रजिस्टर नहीं है, कॉपी है, तो वो उसके अंदर एक पेज में उनका मैप आ जाएगा, नेक्स्ट पेज से वो अपना काम शुरू करेंगे। तो इसके अंदर आप लोग मैप को जो पेस्ट करोगे तो उसके अंदर जिस प्रकार से मैंने लिख रखा है एरिया ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन का एरिया दिखाया गया है। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम। तो इसके अंदर ये स्पेलिंग लिखने के लिए इस मैप में स्पेस कम था तो मैंने नंबरिंग की है, एक नंबर पर पंजाब। तो मैप में जैसा आप लोग देख रहे हैं मैंने वन नंबर लगाया है तो ये पंजाब है, दो नंबर टू लगाया है, टू हरियाणा है, तो जहां पर टू है वो हरियाणा है, थ्री है, तीन नंबर पर ये उत्तराखंड है, फोर है, फोर के अंदर जो चार नंबर लगाया गया है ये हमारा फोर नंबर उत्तर प्रदेश है, और फाइव नंबर पे ये बिहार वाला एरिया है, और सिक्स पे नीचे वेस्ट बंगाल, सिक्स नंबर पे है ये वेस्ट बंगाल है, और सेवन पर है ये असम है। तो इसके अंदर हम चाहते तो एरो करके इनके नाम लिख सकते थे, लेकिन मैंने ऊपर लिख दिए और यहाँ पर इनकी नंबरिंग लगा दिया। तो इन नंबरिंग से पता चल रहा है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ये जो स्टेट के जो नाम मैंने बताए ये नॉर्दर्न प्लेन में आते हैं। इसके अलावा मेजर रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, अब जो मुख्य नदियां हैं उनको मैंने, जो हमारे ए बी सी डी ई और एफ, ये जो हमारे अल्फाबेट हैं इनके आधार पर इनको शो किया गया है। तो मैप में आप लोग देखेंगे जहां पर ए लिख रखा है ये गंगा है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में से गंगा नदी है वो फ्लो कर रही है उत्तर प्रदेश में ही। नीचे की साइड में आप लोग देख रहे हैं यमुना, बी को हमने यमुना दिखाया गया है, और ये गंगा जो नदी है ये बिहार में से भी गुजर रही है जैसे आगे दिखाया गया है। और इस प्रकार से आपने देखा सी है, सी जहाँ पर दिखा रखा है वो सी, ये सोन नदी है, सोन नदी है यह हमारे यानी पेनिनसुलर प्लेच्यू है, उसकी साइड से फ्लो करके नॉर्दर्न प्लेन में जा रही है, साउथ की साइड से बह करके आ रही है, बाकी नदियां नॉर्थ की साइड से फ्लो करके आ रही थी। तो इसके अलावा इंडस दिखाया गया जिसको डी से, ये इंडस रिवर है, इसमें सतलुज नदी है वो आकर के इंडस रिवर के अंदर मिल जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो इस प्रकार से आपने सतलुज को देखा, ये पंजाब की इधर की साइड से सतलुज फ्लो करके इंडस में आके मिल रही है, और ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है ये ऊपर से तिब्बत जो तसांग पो के नाम से दिखा रखा है ये लाइन आ रही है, और इधर जो हमारा असम है जहाँ पर हमने एफ लिख रखा है, असम की साइड से इंडिया में एंटर करती है, प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। इसके अलावा जो मेन कुछ सिटीज हैं
जिनका नाम हमने नीचे लिख रखा है, जैसे सिटीज न्यू दिल्ली, पटना, कोलकाता, चंडीगढ़, ये सिटीज दिखाए गए हैं। इन सिटीज को भी आप लोग देखेंगे, इनको भी मैंने, जैसे ये हमारा हरियाणा है और हरियाणा के अंदर यहाँ पर, जैसे कि हरियाणा और यूपी के पास यहाँ पर हमने न्यू दिल्ली को दिखा रखा है एरो से, तो ये न्यू दिल्ली है। और इसके अलावा पटना है बिहार के अंदर, ये एरो से दिखा रखा है, ये पटना है। और पटना के बाद यहाँ पर चंडीगढ़ है, यह भी आप देखिए इधर पंजाब, और जो हमारा हरियाणा इसका जो कॉर्नर सा यहाँ मिल रहा है चंडीगढ़ है। और वेस्ट बंगाल के अंदर जो कोलकाता है, यह कोलकाता दिखाया गया है। तो बिहार की कैपिटल पटना और वेस्ट बंगाल की कोलकाता, इंडिया की न्यू दिल्ली, और पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़ है, इनको भी इसमें शो किया गया है। और इसमें साथ में नर्मदा और तापी दो रिवर दिखाई गई हैं, बाकी रिवर्स मोस्टली रिवर बे ऑफ बंगाल जो कि इंडिया के इस साइड में उसमें फ्लो करती है, उसमें बहती हैं, उसमें जाकर के गिरती है। नर्मदा और तापी ये दो नदियां ऐसी हैं जो कि अरेबियन सी में, अरब सागर में गिरती हैं, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलती हैं। तो इस प्रकार से आपने मैप के अंदर ये चीज़ें आपको फिल करनी है पेन की सहायता से। इसके बाद में हमारे क्वेश्चन आंसर इसके नीचे शुरू करेंगे, तो रजिस्टर है तो इसी के नीचे दो लाइन छोड़ करके आप लोग अपना कार्य शुरू कर सकते हैं, और नोटबुक है तो आप नेक्स्ट पेज से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर वन, नेम द स्टेट्स विच लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन। बेटा इसमें क्वेश्चन है आपको ब्लैक जेल के पेन से राइट करने हैं और आंसर ब्लू जेल के पेन से राइट करने हैं, और लाइन छोड़ छोड़ करके एक एक लाइन बीच में ब्लैंक छोड़नी है, और आपको सुंदर राइटिंग में करना है। जिस प्रकार से जो मैंने कैपिटल लेटर लिख रखे वो आपने कैपिटल, स्मॉल लिख रखे हैं उनको स्मॉल, और स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो नेम द स्टेट्स विच लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन, जो हमारी उत्तरी मैदान है यानी जो हिमालय माउंटेन, उसके साउथ साइड में जैसे कौन कौन से स्टेट थे उसके अंदर हमारे नॉर्दर्न प्लेन आते हैं, तो उन स्टेट्स के नाम हमें लिखने हैं। अब यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन के अंदर हमारा एनसीटी दिल्ली भी आता था, लेकिन हमने आंसर में दिल्ली क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें स्टेट्स पूछा गया है, दिल्ली है वो यूनियन टेरिटोरी है, इसलिए उसका नाम नहीं लिखा। पंजाब, हरियाणा, कोमा उत्तर प्रदेश, कोमा उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम आर द स्टेट्स विच लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन। तो इसने, हमने सभी स्टेटों के बीच में कॉमा लगाया है और लास्ट वाला जो स्टेट है उसके बीच में एंड लगाया है। तो ये स्टेट है जो नॉर्दर्न प्लेन में, नॉर्दर्न प्लेन के अंदर लाई है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द रिवर्स दैट फ्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन। जो हमारे उत्तरी मैदान है उनके अंदर से कौन कौन सी रिवर्स मानी नदियां हैं जो फ्लो करती हैं, बहती हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो इसमें मेन रिवर दे रखे हैं, आंसर द गंगा, कोमा द यमुना, कोमा गोमती, कोमा घाघरा, कोमा कोसी, कोमा सोन, लास्ट वाली से पहले हमने एंड लगाया एंड ब्रह्मपुत्रा आर द रिवर्स दैट फ्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन जो हमारे उत्तरी मैदान है उनमें से फ्लो करने वाली ये मुख्य नदियां थी, इनके नाम भी आपने राइट करने हैं, लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेंशन द थ्री रिवर बेसिन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तरी मैदान है, उसमें थ्री रिवर बेसिन है। तो ये बेसिन होती है द्रोणी, तो और बेसिन वो एरिया होता है, द्रोणी वो एरिया होता है जितने एरिया में से मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदियां बहती हैं, जितने एरिया को वो उसको उसका पार्ट या द्रोणी कहते हैं। तो हम थ्री जो रिवर बेसिन है उनके नाम लिखने हैं, द थ्री रिवर बेसिन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन आर। तो नॉर्दर्न प्लेन में तीन जो रिवर बेसिन है नदियों की द्रोणी है, पार्ट है उनके, उनके नाम लिख रहे हैं। नंबर वन पे
सतलुज बेसिन, सबसे पहला सतलुज बेसिन सतलुज द्रोणी, द गंगा बेसिन गंगा द्रोणी, द ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो ये थ्री रिवर बेसिन है, द सतलुज बेसिन द गंगा बेसिन और द ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो ये तीनों बेसिन हम इसमें लिखेंगे। और यही क्वेश्चन हमारे नेम द फॉलोइंग वाला जो क्वेश्चन था, नेम एंड थ्री ऑफ द फॉलोइंग, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था, यहां पर भी ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है, नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसके द्वारा जो डेल्टा है वो फॉर्म किया गया बनाया गया, उसका नाम आपने यहाँ पर राइट करना है। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा ए पीस ऑफ लैंड, एक जमीन का टुकड़ा होता है जो जब नदियाँ समुद्र में गिरती हैं तो वह एक पार्ट एक शाखा में नहीं गिर के अलग अलग शाखाओं में बहती हैं। तो जैसे कि कोई नदी जा रही है, एक नदी बह रही थी उसमें दो नाले हो गए तो उनके बीच में त्रिभुज के आकार समुद्र में गिरने से पहले, तो समुद्र के मुहाने पर त्रिभुज के आकार का एक जमीन का टुकड़ा बना जिसको ट्रायंगुलर शेप का, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। तो इसका आंसर होगा गंगा और यमुना के द्वारा जो डेल्टा बनाया गया उसका नाम सुंदरबंश है। सुंदरबंश इज द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया गया जो डेल्टा है उसका नाम सुंदरबंश है। और सुंदरबन डेल्टा, वहां पर सुंदरी के बहुत ही ज्यादा पेड़ पाए जाते हैं, उनके नाम पर उसका नाम सुंदरबंश पड़ा। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स फेमस इन पंजाब, फेमस इन पंजाब। तो पंजाब में जो फेस्टिवल जो त्योहार है फेमस है उनके नाम हमें यहां पर राइट करना है। तो इसके अंदर आंसर होगा गुरु पर्व कोमा बैसाखी कोमा होली कोमा दिवाली एंड लोहरी आर द फेस्टिवल्स फेमस इन पंजाब। तो ये फेस्टिवल है जो कि पंजाब में फेमस है, यानी पंजाब के प्रसिद्ध त्योहार है। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। जो हमारे उत्तरी मैदान है उनकी लोकेशन बतानी है और वो कहां तक फैले हुए हैं, एक्सटेंट बताना है, उनका विस्तार बताना है। तो नॉर्दर्न प्लेन आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द हिमालयन माउंटेन। तो हमने मैप के अंदर भी देखा था कि जो हमारा हिमालय माउंटेन है वो इंडिया के नॉर्थ में है और हिमालय माउंटेन के साउथ की ओर यानी नीचे की ओर जो एरिया पड़ता है वो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है। तो द नॉर्दर्न प्लेन आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द हिमालयन माउंटेन। तो जो हिमालय माउंटेन है उनके साउथ में नॉर्दर्न प्लेन है वो लोकेटेड है यानी स्थित है, उसकी लोकेशन बताया। अब उसका एक्सटेंट फैलाव विस्तार और बता रहे हैं कहां तक, इट इज ए लार्ज फ्लैट एरिया। तो बेटा जो प्लेन एरिया होता है, प्लेन होता है वो लार्ज फ्लैट एरिया है, बड़ा और समतल एरिया है विच एक्सटेंट जो फैला हुआ है फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट, वेस्ट साइड में यानी पश्चिम साइड में पंजाब से लेकर टू असम इन द ईस्ट, और ईस्ट माने पूर्व में असम तक फैला हुआ है। तो इसकी लोकेशन बताई कि नॉर्दर्न प्लेन है हिमालय माउंटेन के साउथ में लोकेटेड है और यह कहां तक एक्सटेंड्स है, फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट, वेस्ट में पंजाब से लेकर असम में ईस्ट में असम तक, यानी वेस्ट में पंजाब से लेकर ईस्ट में असम तक फैला हुआ है। वेस्ट माने होता है पश्चिम और ईस्ट का मतलब होता है पूर्व दिशा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डू यू नो अबाउट द एलुवियम। एलुवियम के बारे में आप लोग क्या जानते हो या क्या समझते हो। तो द रिवर्स
विच ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस, जो नदियां जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं, ब्रिंग न्यूमेरियस स्पीसीज ऑफ रॉक्स एंड सैंड विद डैम, तो वो ब्रिंग मानी लाती हैं, न्यूमेरियस मानी बड़ी संख्या में पीसीज ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टुकड़े, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, और सैंड, सैंड रेत बालू विद डैम अपने साथ बहा करके लाती है। तो वहां से जब ये हिमालय से नदियां निकलती है तो काफी संख्या में चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े और जो सैंड है, जो रेत है, उसको उसके साथ बहा करके लाती है। और द फाइन सिल्ट, और जब वो चट्टानों के टुकड़े सैंड जब उसके अंदर पानी के साथ बहता है तो वो टूट करके और बारीक बन जाता है, यानी फाइन बन जाता है, फाइन सिल्ट, बिल्कुल बारीक मिट्टी गाद बन जाती है। और ब्रोट एंड सेपरेटेड बाय दीज रिवर्स, जो फाइन सिल्ट ब्रोट लाई जाती है एंड सेपरेट फैलाई जाती है बाय दीज रिवर्स, इन नदियों के द्वारा जो कि नॉर्दर्न माउंटेन से जो नदियां फ्लो कर रही है उनके द्वारा, इज कॉल्ड आलुवियम, जिसको हम आलुवियम कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा अक रिवर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय, जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, ब्रिंग न्यूमेरियस स्पीसीज ऑफ रॉक्स एंड सैंड विद देम, तो अपने साथ में काफी बड़ी संख्या में चट्टानों के टुकड़े और जो सैंड है उसको बहा करके लाती है, ब्रिंग लाती है। और द वो फाइन शिल्ट, वो बहा करके लाई हुई जो शिल्ट है, ब्रोट जो लाई जाती है एंड सेपरेट, जब बाढ़ आती है तो पानी जब नदी के अंदर से बाहर की साइड में भगता है तो वो जब जैसे कि यानी फ्लड आती है तो वो साइड में सेपरेट हो जाती है, वो पूरे उस एरिया में फैल जाती है वो फाइन शिल्ट। और बाय दीज रिवर इज कॉल्ड, इन नदियों के द्वारा लाई गई, जिसको आलुवियम कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वार पीडीएफ के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ। बेटा आप इसे केयरफुली अपनी नोटबुक में एक्टिविटी भी बनाएंगे, जो कि इंडिया का मैप मैंने बताया है उसके अनुसार, और उसको मैप के अंदर जो जो चीज़ें मैंने फिल कर रखी उनको फिल भी करेंगे, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको साफ और सुंदर राइटिंग में राइट करेंगे और लर्न करेंगे, और ऐसा लर्न करेंगे, और आगे के जो क्वेश्चन बच गए उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। थैंक्स।